नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। हम अक्षय शुक्ला, आप देखें टेक्निकल अक्षय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आधार कार्ड से मोबाइल नंबर आप कैसे लिंक कर सकते हैं। देखिए, बड़ा अपडेट आया है। पहले आधार कार्ड से मोबाइल नंबर का लिंक हो पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अभी बहुत आसानी से हो जा रहा है लिंक। तो यही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप अपना, अगर आपका आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आप कैसे उसको लिंक कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको लिंक करके इसमें बताएंगे। आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर का लिंक होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर आपके आधार कार्ड की कोई भी डिटेल आपको चाहिए, तो आपके मोबाइल पर वो घर बैठे आपको मिल जाता है, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, और आपको लिंक करके बता देते हैं कैसे लिंक किया जाता है स्टेप बाय स्टेप मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए भाई। तो लाइक कर देते थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है, गूगल आपको ओपन कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में। वहाँ पर सर्च कर लेना UIDAI, यहाँ पर सर्च कर लेना है गूगल में सिंपली। उसके बाद ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऊपर सबसे ऊपर UIDAI.gov.in, इस पर आपको, इस वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट अभी लोड हो रही है। तो लोड होने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर तो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर डेस्क टॉप साइड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको बॉक्स में टिक मार्क कर देना है। ठीक है, ये आपको कर देना है। उसके बाद में आपकी वेबसाइट कुछ दूसरे तरीके से खुल जाएगी, ये डेस्कटॉप वर्जन में खुल जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे साइड में क्लिक कर देना है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में 3 लाइनें बनी हैं, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको सबसे ऊपर माई आधार पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर माई आधार पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में आपको दूसरे नंबर पर गेट आधार पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद में सबसे नीचे यहाँ पर आपको आधार रिप्रिंट, यहाँ पर लिखा है ऑर्डर आधार रिप्रिंट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ये आपको यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। अब आपके सामने कुछ ऐसा नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़ लें, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देखिए, आपका मोबाइल नंबर किसी भी आधार कार्ड के साथ पहले से लिंक नहीं होना चाहिए, और आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर कोई लिंक नहीं होना चाहिए, तभी यहाँ पे हो पाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पर लिखा हुआ है आधार नंबर वर्चुअल आईडी, तो यहाँ पे आपको 12 डिजिट का अपना आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद में नीचे सिक्योरिटी कोड, यहाँ पे जो कैप्चा लिखा हुआ है बॉक्स में, ये कैप्चा डाल देना है। और तो हम यहाँ पर सारी डिटेल डाल देते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर अपना आधार नंबर और ऊपर जो है कैप्चा यहाँ पे डाल दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, एक मिनट, यहाँ पर देखिए एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें उसके आगे लिखा है माय मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, बॉक्स पर टिक मार्क कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डाल देना है जो आपको रजिस्टर करना है। मैं मोबाइल नंबर अपना डाल देता हूँ। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद में सेंड OTP पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर सेंड OTP का बटन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ सेंड OTP पर। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने दूसरा पेज खुल के आ जाएगा, और आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दिया गया होगा, ऐसा बोला गया होगा। ठीक है, और उसके बाद में आपका OTP यहाँ पर डलेगा नीचे। यहाँ पर आपको OTP डालना है, और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पर टिक मार्क कर देना है, और उसके बाद में सबमिट बटन दिया हुआ यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो ये सब हम अभी कर देते हैं।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने ओटीपी यहाँ पर डाल दिया। आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं और आगे देखते हैं क्या आता है। तो हमने सबमिट पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर अब आया है ऑर्डर आधार रिप्रिंट वेरीफाई और आधार डिटेल, और यहाँ पर मेक पेमेंट आपको करना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करना है आपको। देखिए, इसके लिए आपको 50 रुपये देने होंगे। यहाँ पर आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद में आपसे यहाँ पर पूछेगा, यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजैक्शन नंबर आपका आ चुका है यहाँ पर ऊपर। यहाँ पर 50 रुपये देने का है। ट्रांजैक्शन आईडी आपको यहाँ पर मिल चुकी है। अब आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से, या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, आप किससे करना चाहते हैं पेमेंट उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम यूपीआई सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना जो है, अगर आपका यूपीआई आईडी है तो यूपीआई आईडी, पेटीएम है तो पेटीएम नंबर यहाँ पर डाल के और पेमेंट नाउ पर क्लिक कर देंगे तो आपका 50 रुपये आपके अकाउंट से कट जाएंगे और आपका आधार कार्ड जो है रिप्रिंट होके 10 से 15 दिन में आपके बताए हुए एड्रेस पे पहुँच जाएगा बाय पोस्ट। तो दोस्तों, हम यहाँ पे पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी ऑलरेडी मोबाइल नंबर उसमें लिंक है, रजिस्टर्ड है, तो हमें रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम पेमेंट नहीं करेंगे। तो आपको बस पेमेंट क्लिक पर क्लिक करना है और आपकी पेमेंट हो जाएगी और फिर आपका आधार कार्ड आपके एड्रेस पे आ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए भाई और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम जल्दी ही जवाब आपको जवाब दे देंगे। तो थैंक यू, जय हिंद।